तो सबको गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सबके? कुछ कहना है अपनी लाइफ से? यस ओके सब आ जाएं। ओके लेट्स स्टार्ट। आज हमारी सैलरी की पांचवी क्लास है, फिफ्थ लेक्चर ऑफ सैलरी। तो उम्मीद है आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आएगा जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से और मिलेंगे। मैं आपके लिए अगेन, हमारा जो यूजुअल काम है क्या है, रिवीजन का, पूरी की पूरी रिवीजन अगले 10 से 15 मिनट के अंदर करवाऊंगा और फिर क्लास को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जो भीनी भीनी सी आवाज आ रही है वो चुप हो जाए, बिल्कुल तेरा चश्मा लग गया लगता है बेटे, लगता है। आ जाओ, सैलरी स्टार्ट करने से पहले, चार क्लास हमने सैलरी की ली और चार क्लास से पहले एक क्लास मैंने आपको ये समझाने के लिए कराया था, ये समझाने के लिए वो क्लास ली थी कि आप पांच के पांच हेड एंड ऑनवर्ड्स जितने भी चैप्टर हैं वो कर सको। तो अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। ठीक है, असेसमेंट ईयर कौन सा साल होता है, इसके अंदर आप लोग टैक्स पे करते हो, एसेस करते हैं और टैक्स को पे किया जाता है। पैसे यानी कि इनकम कौन कौन कमाता है उसको क्या बोलते हैं, पर्सन। पर्सन असेसी टैक्स के लिए लाइबल होता है, इनकम कमाता है पर्सन। तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी, AOP, BOI। ठीक है जी, और इसके बाद मैंने आपको बताया असेसी मीन्स द पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स। जब ये बस इतना सा मैंने आपको चैप्टर वन, अभी चैप्टर वन हमारा हुआ नहीं है, चैप्टर वन के मात्र चार से पांच मैंने आपको मतलब बताए हैं, वर्ड्स बताए हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में जरूरी होते हैं। तो बस इतना ही अभी हमने चैप्टर वन किया, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सैलरी मैंने आप लोगों के लिए शुरू करी। सैलरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि सैलरी का एक चार्जिंग सेक्शन है, क्योंकि हर हेड का अपना एक चार्जिंग सेक्शन होता है। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या है, और ये चार्जिंग सेक्शन आपसे ये बोलता है कि जब भी कोई इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे सैलरी इनकम पर टैक्स मांगेगी, तो वहां पर आपका और आपके बॉस का एक रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, जिस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर सैलरी एम्प्लॉई को मिल रही होती है लेकिन वो एम्प्लॉई नहीं कहलाता। जैसे मैंने आपको बताया था, डायरेक्टर, पार्टनर, MP और इनको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती है, सैलरी के अंदर नहीं आती। डिटेल दे नहीं रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि बहुत डिटेल दे चुका हूं। फिर हमने कुछ बात एक दो और करी थ्योरेटिकली, बट वो बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो होता है वो फ्रीलांसर्स होते हैं जो किसी के लिए फॉर द सेक ऑफ मनी काम करते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट सिर्फ और सिर्फ यहां करेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के। डन है जी। तो ये करने के बाद मैंने आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात बताई थी, जो आपके नवंबर अटेम्प्ट के लिए तो इतनी ज्यादा जरूरी है कि क्या ही बताएं, हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। मैंने कहा था कि इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए। पहले असेसी बस अपनी इनकम पर टैक्स पे करता था जिसका एक स्लैब रेट हुआ करता था। स्लैब रेट अब भी है लेकिन वो स्लैब रेट को अब दो नाम से बुलाया जाता है, या तो ओल्ड रिजीम या तो बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में सेक्शन नंबर 115 BAC 1A, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं बताया कि मैं कौन सा रिजीम ले रहा हूं, तो एम्प्लॉयर एज्यूम करेगा कि आप कौन सा ले रहे हो, और आपने इनकम टैक्स अथॉरिटी को नहीं बताया तो भी आप इस रिजीम को ले रहे हो। ऑल वेल,
अब इन दोनों रिजीम में डिफरेंस क्या है? सर ओल्ड रिजीम का अपना एक अलग स्लैब रेट होता है। अभी आप लोगों को स्लैब रेट पढ़ना नहीं है, मैं आपको नहीं सिखा रहा कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करते, उसके लिए आपको इनकम निकालना सीखना पड़ेगा। तो पहले तो इनकम सीखेंगे हम 5 हेड में, फिर सिखाऊंगा टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी इतना समझना है आपको कि ओल्ड रिजीम का स्लैब रेट डिफरेंट होता था, थोड़ा सा मुश्किल होता था, कॉम्प्लिकेटेड होता था। न्यू रिजीम का स्लैब रेट बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजी है। तो अगर आपसे ये बोले कि असेसी न्यू रिजीम को फॉलो कर रहा है तो दिमाग की बत्ती ओपन रहनी चाहिए, क्योंकि न्यू रिजीम के असेसी को अलावेंसेस के अंदर भी कुछ अलावेंसेस नहीं मिलते, पार्टली के अंदर याद है आपको, बट वो सारे के सारे किसमें मिलते हैं? ओल्ड गिल्ड। ठीक है जी, तो यहां आपको अलर्ट रहना। तो बस ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल, और भी कुछ बात की थी मैंने आपको, कुछ एडवांस सैलरी, एडवांस अगेन सैलरी वगैरह वगैरह, सरेंडर ऑफ सैलरी, ये सब बताया था, तो वो हमने पहली क्लास में किया था। अब मैं आ रहा हूं अपने प्रैक्टिकल अप्रोच पे। ठीक है, मैंने आपको बोला कि हमारे सैलरी के चैप्टर में हमारा स्टूडेंट जो है वो बड़ा बड़ा कंफ्यूज रहता है इस मोटी सी किताब को देखकर, सर ये तो इतना बड़ा है, ये भी करना वो भी करना। पता है चीजें सच में कॉम्प्लिकेटेड है टैक्सेशन के अंदर, लेकिन टैक्सेशन की कॉम्प्लिकेशंस खत्म करता है स्टूडेंट जब अपना माइंड कुछ इस तरीके से मेकअप करता है कि उसको चीजें बड़ी इजी लगने लग जाती है। हालांकि होती वो बड़ी है, वही 3 इडियट मूवी की तरह कि मामू बनाते जाओ अपने आप को। सैलरी के चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? और अभी हम सब रिविजन कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेन क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है। एक होता है हमारा क्या, अलावेंसेस। मेरे प्यारों क्या होता है अलावेंस का मतलब? होता है कैश बेनिफिट्स, जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। एक दूसरी बात है जिसको आप कहते हैं क्या, परक्यूजिट्स, जो कि मिलता है आपको इन कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा, इन मतलब आपको नगद पैसे नहीं मिलेंगे, आपको वो काम ही डायरेक्टली दे देंगे। मतलब यहां पर रहने के लिए घर का रेंट देने के पैसे दिए तो यहां घर दे दिया, यहां कार दे दी, सर्वेंट दे दिया, यहां सर्वेंट के पैसे दिए। आया कुछ समझ में डिफरेंस? एक आपको टॉपिक पढ़ना है, हालांकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट ही होता है, लेकिन मैं अलग से इसको सेपरेटली कराता हूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब आप एक टोटल इनकम का क्वेश्चन निकालोगे, जो आपका फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम का, तो इसी वजह से इसको अलग से सेपरेटली समझाएंगे। और प्रोविडेंट फंड के अलावा आपको पढ़ना है क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है जी, तो ये 4 चीजें थे, वो कितनी आसान है। अब अगर हम सोचें तो सैलरी बहुत बड़ा नहीं है, सैलरी मात्र इन 4 टॉपिक के अंदर कवर्ड है। ठीक है, इन 4 टॉपिक में मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया क्या, अलावेंसेस। अलावेंसेस क्या होते हैं सर? कैश बेनिफिट होते हैं। तो देता कौन है? एम्प्लॉयर देता है। देता किसको है? एम्प्लॉय को देता है। तो टैक्स कौन पे करेगा? एम्प्लॉय करेगा। सारा टैक्स पर करेगा क्या पे डिपेंड करेगा कि उसको मिला कौन सा अलावेंस। ठीक है, तो अलावेंसेस भी 3 कैटेगरी के अंदर मैंने डिवाइड करे। एक कैटेगरी थी फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलावेंस की, और एक कैटेगरी थी पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल की, और एक कैटेगरी मेरी थी फुल्ली टैक्सेबल। फुली एग्जेम्प्टेड अलावेंस जो होते हैं वो ऐसे अलावेंसेस होते हैं जो कि मिलते हैं यूनाइटेड नेशन बॉडीज के मेंबर को, एम्बेसडर को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब MLA। ठीक है, तो ये यहां पर है, फुली की फुली एग्जेम्प्टेड है, कोई टैक्स यहां पर आपको नहीं देना है। दूसरी बात ये करता है पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर सैलरी से क्वेश्चन आपका छोटा मोटा भी देता है वो 5-5 नंबर का, तो बहुत चांसेस है कि HRA का क्वेश्चन या 3-4 अलावेंसेस का क्वेश्चन, या जब आप टोटल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होगे तो उस समय अलावेंसेस से कोई ना कोई टॉपिक उठा के जरूर देंगे। तो यहां सबसे पहले मैंने आपको बताया HRA, क्या बताया, हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड,
और 50% या 40% ऑफ सैलरी और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से जो भी अमाउंट मिनिमम होगा वो आपका क्या है, वो एग्जेम्प्टेड है। और आपका टैक्सेबल पार्ट कौन सा होने वाला है सर? एक्चुअल एचआरए जो मिला है उसमें से एग्जेम्प्टेड एचआरए को आप माइनस कर देंगे, टैक्सेबल आ जाएगा। ऑल वेल, डन है। पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल का दूसरा पार्ट था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सर ये एग्जेम्प्टेड है मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, एग्जेम्प्टेड अप टू मैक्सिमम। इसके मैंने आपको तीन छोटे छोटे क्वेश्चन कराए थे। फिर अगला है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कुछ ऑफिशियल अलाउंसेज होते हैं, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, सॉरी ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और डेली अलाउंस। सर ये जो 6 अलाउंसेज आपको मिले हैं ये सब ऑफिशियल एक्सपेंडिचर के लिए मिले हैं। मान लो आपका ऑफिशियल एक्सपेंडिचर हुआ 18,000 लेकिन मिले थे आपके 20,000, तो 2,000 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, वो टैक्सेबल हो जाएंगे, दैट्स इट। इसकी टैक्सेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। फिर मैंने आपको बताया ट्राइबल एरिया अलाउंसेस 200 रुपये, ठीक है, मैक्सिमम पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंसेस 800 रुपये। सर आउट स्टेशन अलाउंसेज वो अलाउंसेज होते हैं जो कि मिलते हैं उन एम्प्लॉयज को जो किसी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर काम करते हैं, तो उनको मिलने वाले अलाउंसेज का मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जेम्प्टेड, 10,000 रुपये पर मंथ और 70% उस अलाउंसेज का जो मिला है, जो भी लेस अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिसेबल पर्सन को, हैंडीकैप पर्सन को मिलता है, 3,200 रुपये पर मंथ मैक्सिमम। ऑल वेल। और एक पार्टली का एक हिस्सा हमारा इंटरटेनमेंट अलाउंस भी है जो कि यहां पढ़ लो या सेक्शन नंबर 16(2) डिडक्शन। तो ये डिडक्शन जो मिलती है इंटरटेनमेंट अलाउंस दो होते हैं, एक तो फुली टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है जो कि सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज को मिलते हैं, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आप बात करते हो तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड, ₹5,000, 20% ऑफ बेसिक पे और एक्चुअल ईयर इसी। ऑल वेल। तो ये सेक्शन नंबर 16(2) का हिस्सा है, ठीक है जी, ये हमारा डन हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आए फुली टैक्सेबल अलाउंस पे, सर्वेंट अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी, ओवर टाइम अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग और लंच अलाउंस, ये सारे फुल्ली 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 टैक्सेबल अलाउंस है। नाम देखो और टैक्सेबल कर दो, ठीक है। एक बात बोलना भूल गया, एचआरए की जब सैलरी निकालते हैं तो सैलरी मींस बी सी और डी, बी फोर बेसिक सैलरी, सी फोर कमीशन, यही रुकना है क्या? फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और सेल, और डीए क्या होता है? डीए होगा आपका फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, याद रखना। अगर कभी आगे टैक्सेशन में किसी जगह पर मैं ये बोलूं कि सैलरी में पुट कर दो बीसीडी, सैलरी मींस बीसीडी, तो आपको दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है, बीसीडी, बीसीडी की सैलरी, एचआरए की सैलरी, तो वहां आपको वही पुट करना है, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, डन है। तो ये मैंने आपको अलाउंसेस की रिवीजन पूरी की पूरी करवा दी, कैसे लगी सर? अब बात करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट की। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर मैं आपको 2 रिटायरमेंट बेनिफिट करवा चुका हूं, हमने कई सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, आज आपको तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट स्टार्ट करवाऊंगा और फिर परक्यूजिट पे जाएंगे, लेकिन पहले इन दोनों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट मैंने आपको करवाया लीव इनकैशमेंट, क्या बताया इसके बारे में सर? लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है जब एम्प्लॉय अपने मालिक के पास काम कर रहा होता है तो कई जगहों पर उसको छुट्टी लेनी पड़ती है, और नौकरी पे जा रहे हो छुट्टी लेंगे तो तनख्वाह ना कट जाए, तो बहुत समस्या हो जाती है। तो एम्प्लॉयर ने बोला कि एक काम कर, तू महीने में 2 दिन, 1.5 दिन, 1 दिन की पेड लीव ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तू छुट्टी लेगा तेरी तनख्वाह नहीं कटेगी। तो पर्सन ने क्या करा, उसको पेड लीव मिली हुई है लेकिन उसने छुट्टी फिर भी नहीं ली, वो रेगुलर काम पर आता रहा और उसकी छुट्टियां इकट्ठी हो गई,
और इकट्ठी होते वक्त जिस दिन उसका रिटायरमेंट हुआ उसको वो एक मुश्त मतलब लमसम अमाउंट मिला, और उस लमसम अमाउंट की टैक्सेबिलिटी चार्ज करता है इनकम टैक्स वाला, वो कैसे करता है, कहता है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो सबसे पहले जो भी एक्चुअल लीव इनकैशमेंट आपको मिला है वो अमाउंट आप लिख दोगे। गवर्नमेंट ने कितना बता रखा है, 25 लाख रुपए गवर्नमेंट ने बता रखा है, ठीक है। और 10 मंथ की आप क्या लोगे, एवरेज सैलरी। और एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, सर जिस दिन रिटायर हुआ है उसके पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज कर देना, एवरेज सैलरी आ जाएगी। समस्या तब आती है जब बीच में सैलरी में इंक्रीमेंट या कोई बदलाव हुए, ठीक है। और लास्ट कह रहा था लीव एंटाइटलमेंट माइनस लीव अवेल्ड मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी, और यही तो समस्या है और यही झंझट है बच्चों का। क्वेश्चन में लीव एंटाइटलमेंट एम्प्लॉयर जो देता है वो एज इट इज पुट कर आ जाते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। लीव एंटाइटलमेंट मिलता है मैक्सिमम 1 मंथ का, कितने महीने का, 1 मंथ का फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जैसे कि 25 साल 7 महीने कोई एम्प्लॉय काम करके जा रहा है और मालिक ने उसको 1.5 महीने का लीव दिया, लेकिन एंटाइटलमेंट कितना होगा, 1 मंथ, यानी 1 × 25 25 महीने, मान लो 14 महीने की लीव ले चुका है, तो लीव इंटाइटलमेंट में से लीव अवेल्ड माइनस करके एवरेज सैलरी कर दोगे, जो भी अमाउंट मिनिमम चारों में से आया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और टैक्सेबल क्या होगा, एक्चुअल लीव में से टैक्सेबल, सॉरी एक्चुअल जो पैसे मिले उसमें से टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड हटा दो, टैक्सेबल अमाउंट आपके सामने। डन है, डन है, किसी को कोई जरूरत दोबारा। अब अगली बात करते हैं ग्रेच्युटी की। चल मेरे भाई, ग्रेच्युटी, अगली बात ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है सर, ग्रेच्युटी का मतलब होता है ग्रेचुअस पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द, क्यों देता है वो, ग्रेटिट्यूड शो करता है। तो पिछली क्लास में इसका भी ज्ञान दे दिया था, किसी को ग्रेटिट्यूड शो करना हो तो किसी को मत करना, एम्प्लॉयज को ही करना, ठीक है। तो एम्प्लॉय जब जा रहा है तो उसको ग्रेटिट्यूड शो होने के पैसे मिले हैं, और उस पैसे पे वो क्या देगा, इनकम पर टैक्स। देख लेना, एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में क्या नॉट कवर्ड है। अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है देन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी, बोलो ना भाई, then minimum of the following will be, तो सबसे पहले actual gratuity received amount लिख देंगे, और government ने कितना बोला है, 20 लाख लिख दिया मैंने, और 15/ मतलब पूरे completed year और in excess of 6 month का 15 दिन का salary gratuity मिलता है, और महीने में कितने दिन होते हैं, 26 दिन working है ना, होते नहीं, 4 संडे नहीं हमारे, तो 15/26 मल्टीप्लाई बेसिक पे प्लस सर डीए एनी टाइम है, एनी टाइम मतलब कोई सा भी डीए, क्वेश्चन में डीए लिखाओ पुट कर देना, फॉर्मिंग पार्ट वॉर्मिंग पार्ट की यहां आवश्यकता नहीं है, ऑल वेल ओके था। मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, काम किया बंदे ने 25 साल + 6 महीने, कितने लिखूं, 25 साल 6 महीने 1 दिन कितने लिखूं, डन है, कोई डाउट, चलो वापिस करते हैं, नॉट कवर्ड में चलते हैं, पहला वाला सेम दूसरा वाला सेम, नॉट कवर्ड में पहला वाला सेम दूसरा वाला सेम, तीसरा वाला बेटे 1/2 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर, पूरा कंप्लीटेड ईयर, ऑल वेल, समझ गए। एवरेज सैलरी कैसे निकलती है, हाँ, लेकिन उसकी सैलरी बीसीडी होती है, मतलब आपको जब पिछले 10 महीने का एवरेज करना है तो 10 महीने में सैलरी में ये 3 चीजें आपको जोड़नी है, बी सी डी, ऑल वेल। कोई भी प्रॉब्लम किसी बालक को यहाँ पे, अरे बोलो ना भाई, बेसिक प्लस डीए एनी टाइम, सही है, क्या है भाई,
सब मैंने बोला ना, आपको कहीं भी बीसीडी सुन लो ना, एचआरए की सैलरी, बीसीडी सुनो, एचआरए की सैलरी पुट करो, दैट्स इट। और बताओ जी, कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन हो गए बीसीडी? हमने नहीं, एवरेज का मतलब बीसीडी ही है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। एवरेज कभी लिखे है तो समझ जाना बीसीडी है। एवरेज सैलरी मतलब एचआरए की सैलरी पिछले 10 महीने। यानी अब कोई यहाँ बच्चा जिसको कोई भी डाउट पूछना हो पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं। अब आज की क्लास शुरू कर दें। चलो जी, अब एक नए पड़ाव पर चलते हैं हम लोग। पेमेंट नहीं हुई? कौन सी पेमेंट? कल लास्ट डे बेटे, करते क्यों नहीं है? अरे तो किस की नहीं हुई अभी? इंस्टीट्यूट में वहां रजिस्ट्रेशन हो गया ना सबका? आ जाओ, बहुत सारे बच्चे पास करे ना इस बार। 29.99% का रिजल्ट दिया। चलो जी, डन करते हैं बेटे। कम 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 कम, टॉपिक है आपका एक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन। पहले ओरली वर्बली समझाता हूं पूरे टॉपिक को, कोशिश करूंगा सारे प्रोविजन ओरली ही बता दूं, फिर इसको पढ़ेंगे यहां से। तीनों रिटायरमेंट बेनिफिट का सबसे टिपिकल रिटायरमेंट बेनिफिट ये है। तो सर पहले से क्यों डरा रहे? मुश्किल नहीं है, टिपिकल है, थोड़ा सा हल्का सा एक लॉजिक है छोटा सा, वो लगाएंगे तो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और लॉजिक क्या है वो पूरा मैथ है। टॉपिक का नाम है टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन। ठीक है, पेंशन बोल रहा था, टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन। तो आप लोग ये बताएं, भारत में एम्प्लॉइज को दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक तो हमारा कौन सा गवर्नमेंट और एक या प्राइवेट, प्राइवेट बोल सकते हो, ये कैटेगरी है हमारी एम्प्लॉइज की। अब कोई भी एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको एक लमसम अमाउंट मिलता है, जो कि ग्रेचुटी नहीं होता। क्योंकि ग्रेचुटी होता तो वो तो हम वहां पढ़ते, क्योंकि लीव इनकैशमेंट नहीं होता, क्योंकि वो होता तो हम दूसरे सेक्शन में पढ़ते। वो होता है पेंशन, नॉट पीएफ, पेंशन। क्या पेंशन सुना होगा ना, ये कॉमन वर्ड है, बचपन से सुनते आए हो तुम लोग। मम्मियां घर में बताती है वो रिटायर हो गया, इतना मिला इतना। ठीक है, वो जो इतना मिला वो सब क्या है? वो सब पेंशन है। ठीक है, गवर्नमेंट में खासकर अच्छा पैसा मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो सर क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिली तो उसने जो जीवन भर काम किया था उसके बदले में रिटायरमेंट में पेंशन मिलती है, ताकि वो अपने आगे आने वाले साल को। अभी वह होता ना, रिटायरमेंट मेरा 60 की एज में हो गया, लेकिन मैं मर थोड़ी रहा हूं, शाम को जाती वर्जी हो गया, जीवन बहुत अच्छा है, तो कल से जीना भी तो है मुझे, तो मैं जीऊं कैसे? जीने के लिए क्या चाहिए? इज्जत, 4 दिन। जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, वो तो मरने के लिए चाहिए। हनी सिंह के छोटे भाई निकल लेगा जल्दी। ठीक है, अभी सुनो। तो भाई जीने के लिए अपने को चाहिए पैसा। अभी सब सुनते रहना, मजा आएगा। और इस बेटे प्लीज, इस मजे के अंदर मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। अपने को चाहिए मनी। जैसे 60 की उम्र आ जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होने की जगह बढ़ जाती है। पोता पोती आते दौड़ते, दादाजी दादाजी आइसक्रीम वाला आया है। और
बड़े सारे खर्चे हो जाते हैं। अब वो सारे खर्चे दे कहां से, खर्च कहां से करे? तो भाई जिसके वहां जीवन भर काम किया है वही कुछ देगा हमें। तो पेंशन मिलती है उस बंदे को, या तो वो पेंशन मिल जाती है इकट्ठी, इकट्ठी को कहते हैं कम्यूटेड, या पेंशन मिलती है क्या, मंथली रेगुलर पेमेंट। ये दोनों के साथ ही ऐसा है, एक कम्यूटेड और एक क्या बेटे? हाँ जी मिलती है, खूब मिलती है, 6 कंपनीज देती है, कम्यूटेड नॉन कम्यूटेड, ये पेंशन मिल रही है। अब देखो जी, मुझे पेंशन मिली, मैं रिटायर हो गया, मेरी उम्र 60 साल की, और मुझे मिले मस्त पैसे। चलो एक मिडिल क्लास के पैसे बताए थे, चलो 60 लाख रुपए मिले, ठीक है 60 लाख रुपए पेंशन के लिए, अगले 15-20 साल जीने के लिए बहुत है। जैसी पेंशन मिली उसके अगले दिन नेक्स्ट डे से मेरे घर में मेरी खातिरदारी चालू हो गई, मेरी बहू मेरे पांव दबा रही है, मेरा बेटा, पापा आपने कुछ खाया नहीं, आपने बहुत जिंदगी भर काम कर लिए पापा, आप इंजॉय करो, 1 मिनट थोड़ी देर बाद, अभी पापा बिल्कुल मस्त, पापा की खातिर हो रही है, 20 दिन 25 दिन तक पापा को खातिर किया। अब नया नया रिटायर होते हैं ना, तो लोग भी खूब मिलने आते हैं, खूब जाते भी हैं मिलने। जब 20-25 दिन हो गए और पापा की खातिर अच्छी करी, तो एक दिन पापा, मेरे को बिजनेस खोलना है, मेरे को चाहिए 20 लाख, ठीक है? और पापा ने बोला चल भाई 60 मिले तो चल कोई नहीं, 20 दे दूंगा तो 40 तो रहेंगे, बहुत है, बेटा तो अपना ही है। अब बेटा अपना कहाँ है वो तो पता ही है तुम्हें सबको। बेटे ने 20 लाख ले लिए जी। अब 20 लाख लेने के बाद बेटे सुनते रहो सुनते रहो, अभी ना कुछ बताना है बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 लाख पापा ने बेटे को दे दिए, बचे 40 लाख रुपए। अब बहू रानी भी सुबह सुबह पराठे खिला रही है, आलू के, कभी मूली के, मौसमी पराठे, मौसम में जो सब्जी आ रही है, कभी गोभी के, दे गले से पानी उतर रहा है, ठीक है, तो बस पराठे खिला रही है। अब बहू रानी ने ही मांग लिए, पापा मुझे ब्यूटी पार्लर कोर्स करना है और फिर खोलना भी है ब्यूटी पार्लर, तो 10 लाख लगेंगे। पापा ने भी दे दिए भाई 10 लाख भी। तो ऐसे कर करके पोता पोता भी फिर अमेरिका जा रहा है पढ़ने के लिए, और अमेरिका तो आपको पता ही है, डिप्लोमा भी करोगे तो 30 लाख चाहिए। दादाजी ने उसको भी दे दिए, कुल मिला के दादाजी को लूट लिया। और जो लास्ट बैंक अकाउंट से पैसे निकले ना, उसके नेक्स्ट डे से दादाजी जो है वो किचन के अंदर बिस्तर लगा के सो रहे, उनकी इज्जत वहीं तक थी। ऑल वेल, अब क्या करे वो दादा, कुछ तो करता नहीं, कर सकता नहीं है ना, अभी अच्छा अच्छा बोलना है ना, बुरा नहीं, तो क्या करे भाई? अरे तो सर ये ऐसा कांड किसी के साथ ना हो जाए, उसको ऑप्शन दिया जाता है, बेटे सुन ले दुनिया बहुत बेकार है, तू लेगा 60 लाख, अभी महीने भर में गायब हो जाएंगे तेरे 60 लाख, मंथली ले मुझसे हर महीने। तो हर महीने वाली को क्या कहते हैं, तो अब दादाजी की इज्जत पूरी बरकरार रहेगी, क्योंकि तो फालतू बोला तो अगले महीने फिर पेंशन आ रही है 60 हजार की। बहू रानी भी नहीं बोल सकती और बेटा भी नहीं बोल सकता कुछ, 60 हजार में कुछ 20-25 हजार 30 हजार घर में दे देते हैं, 30 हजार में अपना बीड़ी बीड़ी फूकते हैं भाई। डन, नीड्स है भाई, बेसिक नीड्स समझिए। तो ये सारी चीजें चाहिए, अब दादाजी की इज्जत जो है वो बरकरार रहेगी, तो फिर उनकी इज्जत बरकरार रखने के लिए उनको पेंशन दी जाती है अनकम्यूटेड। ऑल वेल। तो मेरे प्यारे, अभी तक आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट वाले को मिलने वाली जितनी भी चीजें थी वो क्या थी बताओ? ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, क्या है? लीव इनकैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, क्या है? पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या होगी? होगी लेकिन सिर्फ कम्यूटेड। और अनकम्यूटेड क्या होगी? अब टैक्सेबल होने का रीजन बताओ यार, गवर्नमेंट का भार था वो तो एक साथ देगी निकल भाई, अब गवर्नमेंट हर महीने दे रही है पैसे, जैसे मुझे किसी को एक साथ पैसे देने पड़े
हो गया बेटा? अच्छा अच्छा बैठ जाओ बैठ। अगर मुझे किसी को एक साथ, मुझे लगा मेरा चालू कर रही है, अच्छा काम किया है। अभी गवर्नमेंट जो है एक साथ किसी को पैसे दे रही, तो गवर्नमेंट के लिए इजी है। अब ये मंथली ड्रामा है, सर का दर्द है, हर महीने देना पड़ेगा इसको। गवर्नमेंट कह रही है अगर अनकमिटेड पेंशन लेगा तो क्या करूंगी। अच्छा एक बात बताऊं, ये मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात है, क्योंकि बंदा अनकमिटेड ही लेगा। एक साथ ले लिए तो पर चल दादाजी मॉर्निंग वॉक पे गए, फिर वो चार कंधों पे आ रहे मॉर्निंग वॉक पे ले लिया किसी ने उनको, होता है ना ऐसे बुजुर्गों को घर के अंदर घुस के डकैती देखा है तुमने, बड़े बड़े घरों में गेटर गिलास बसंत कुंज आरके पुरम साइड में खूब होता है। उनके बच्चे यूएस कनाडा में होते हैं, दादाजी अकेले, दादाजी को खोपचे में लिया घर से मिला कैश 4800 रुपए। तो ये सब ना हो तो उन्होंने बोला अनकम्यूटेड लो, मंथली रेगुलर पेमेंट क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। और नॉन गवर्नमेंट तो भाई साहब ये तो मारा ही आदमी है कि जिंदगी कुछ नहीं है, हर चीज पे टैक्स, कुछ भी लेगा टैक्स, समझ गए। तो इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलना ही नहीं है, आप लोग समझदार हो। ये भी क्या होता है, आ गई बात समझ, ठीक है जी। अब टैक्सेबल कितना होगा इसके बारे में अभी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने इसका टॉपिक आपको समझाया, समझ में आ गया, पढ़ते आगे चलो। तो जनरल मीनिंग की बात कर रहा है, इन इट्स जनरल सेंस पेंशन मीन्स अ पेमेंट मेड बाय द मालिक आफ्टर द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय एज ए और हाउ एवर इन सर्टेन केसेस द एम्प्लॉय मे फोरगो अ पोर्शन ऑफ हिज पेंशन एंड रिक्वेस्ट द एम्प्लॉयर टू पे अ लमसम अमाउंट इन एडवांस बाय सरेंडरिंग सच पोर्शन ऑफ द पेंशन। दिस इज नोन एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। आया कुछ समझ में, डन है, कम्यूटेड पेंशन आया, कौन सा अमाउंट, लमसम अमाउंट। तो जो कम्यूटेड पेंशन है उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, सेक्शन नंबर 10-10A की बात कर रहा है, यही लॉजिकल है, अच्छे से समझना नहीं तो क्वेश्चन करोगे अटकोगे। अभी बस इतना समझ लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे कम्यूटेड क्या होता है, एग्जाम अनकम्यूटेड, और प्राइवेट वगैरह पे कम्यूटेड सब टैक्सेबल, उनको तो टैक्सेबल ही है, कुछ नहीं उनका जीवन, ठीक है। तो केस नंबर 1, इन केस ऑफ कौन सा एम्प्लॉय, तो ये तो चल छोड़ ही दे यार, क्या करें इसका, डन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बकवास कर रहा था इतनी सारी, हाँ जो सुनना। इन केस ऑफ कौन सा एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई आज बहुत बेकार परफ्यूम लगा गया है, मूड खराब हो रहा है। If the employee is also in receipt of gratuity, बेटे ये समझना है, समझो ध्यान से, किसको पेंशन मिली है, किसको पेंशन मिली है, अगर वो employee को gratuity भी मिली है, जिसको पेंशन मिली है, आई एम रिपीटिंग, जिसको पेंशन मिली है अगर उसको ग्रेचुटी भी मिली है, देन कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एनी अमाउंट रिसीव ओवर एंड अबव द एग्जेम्प्टेड पेंशन इज, तो 1/3 वैल्यू ऑफ पेंशन क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, मतलब जो भी पेंशन का अमाउंट होगा उसका 1/3 क्या हो जाएगा और बाकी का, और अगर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो 50-50, द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 50% ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट, एनी अदर अमाउंट रिसीव ओवर एंड अबव एग्जेम्प्टेड पेंशन इज, आ गया समझ में, आ गया समझ में, ओके। एक बंदे को रिटायर करते हैं पहले फिर देखेंगे। मिस्टर ए रिटायर हुआ है बिल्कुल अभी अभी 15 अप्रैल 2024 को, एबीसी कंपनी लिमिटेड से ही वॉज एंटाइटल्ड टू ए पेंशन ऑफ 4000। बेटे ये कौन सा है,
इसके बारे में तो बात मैंने बता दी, क्या होता है फुल्ली फुल्ली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही गॉट 75% ऑफ द पेंशन कम्यूटेड एंड रिसीव 1,35,000 एज कम्यूटेड पेंशन. उसको कम्यूट कितना हुआ? अब एक बात बताओ, उसको 135 कितना मिला है? तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले क्या करूंगा, करना जरा एक बार, 180 आई बात समझ, जरा देखना ध्यान से. If the employee is in receipt of gratuity, taxable amount of, अगर उसको gratuity मिल रही है तो taxable amount होगा और commuted pension shall be rupees 75,000. जैसे 135 मिला माइनस 1/3 ऑफ 135 डिवाइड 75%, आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, अभी एक बार बताऊंगा पूरा अच्छे से सुनना. अगर किसी एम्प्लॉय को पेंशन मिल रहा है, स्टेप्स मार्किंग करनी है, पूरा स्टेप बाय स्टेप चलना है. सबसे पहले देखोगे एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय देख लिया, इस क्वेश्चन में बताओ एम्प्लॉय कौन है, मिस्टर ए कहाँ काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट वाला तो नहीं है, हमने देख लिया एम्प्लॉय कौन है. तो अब ये चेक करो उसको कम्यूटेड मिला या अनकम्यूटेड मिला. अनकम्यूटेड अमाउंट क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल, ऑल वेल. कम्यूटेड मिला है तो इस सिचुएशन में देखो उसको ग्रेच्युटी मिली है, या ग्रेच्युटी नहीं मिली है. अगर उसको ग्रेच्युटी मिली है तो उसकी एग्जेम्पशन होगी 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन, 1/3 ऑफ. इस क्वेश्चन के अंदर उसको 135,000 मिले, क्या था ये वो, और ये कम्यूटेड पेंशन कितनी थी, तो इस 135 को पहले टोटल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे या नहीं, तो ये 135 टोटली 75% था, इसको 100 करना कितना आएगा, और 180 का 1/3 करो 60,000. अब 135 में से 60 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा. अब बताओ जी किसको समझ नहीं आया, कम्यूटेड दोनों में सेम है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट दोनों में, अनकम्यूटेड नहीं, कम्यूटेड गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट है और नॉन गवर्नमेंट में टैक्सेबल, अनकम्यूटेड दोनों में टैक्सेबल. डन है जी, डन है. अगर ग्रेच्युटी मिली है तो, अब सुनो जी सुनो, मैं अब आपको बता रहा हूं, जब ग्रेच्युटी तो 50% एग्जेम्प्ट, ठीक है, तो चलो जी टोटल कितने पैसे मिले, इसको पहले मैं 100% में कन्वर्ट करूंगा, 1,80,000. डन, तो 1,80,000 का हाफ कितना हो गया, तो 1/35 उसको कम्यूटेड मिला, 90,000 एग्जेम्प्ट कर दिया, 45,000 विल बी, आ गया समझदार हो. जरा आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहां पे
तो देखो यहां पर आंसर 45 और कैसा लगा जी, है ना? कम्यूटेड आपको परेशान कर सकता है, आपको क्या करना है, अगर किसी क्वेश्चन में कम्यूटेड वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, जैसे मान लो 65 दे रखा है, तो फटाक उसको पहले 100 करो, यानी कि अमाउंट बाय डिवाइड बाय 65% 100 हो जाएगा, उसका अगर ग्रेचुटी मिलती है तो फिर 1/3 करो, और नहीं मिलती तो 50% कर दो, ऑल वेल, और जितना कम्यूटेड अमाउंट मिला है उसमें से माइनस करो, एक्सेबल आ जाएगा। ठीक है मालिको, डन है। चलो अब टैक्सेबिलिटी करते हैं किसकी, बेटे प्लीज आ जाओ, अनकम्यूटेड पेंशन की, अनकम्यूटेड पेंशन की टैक्सेबिलिटी आती है सेक्शन नंबर 17(1) में, क्योंकि अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल है। जब ये चीज फुली टैक्सेबल है तो क्या इस पे एग्जेम्पशन का सेक्शन 10 लगेगा, लेकिन यहां पर एग्जेम्पशन का सेक्शन क्या लगा, क्योंकि कुछ पार्ट एग्जेम्प्टेड है और कुछ पार्ट, अब आ गया समझ लॉजिक। यस बेटे, डन, समझ गए। और नॉन गवर्नमेंट की कुछ टैक्सेबल और कुछ एग्जेम्प्ट, तो जो कुछ एग्जेम्प्ट है ना वो सेक्शन 10(10)A में बता रखा है, लेकिन अनकम्यूटेड वाला सेक्शन नंबर 17 ऑफ सैलरी आएगा, अनकम्यूटेड पेंशन दैट इज पीरियोडिकल पेंशन एज पर द सेक्शन 17(1), अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेदर। ठीक है जी, एक नोट यहां पर दे रखा है, वैसे तो ये नोट आपको मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ाऊंगा, टोटल 11 पॉइंट में अदर सोर्सेज खत्म करूंगा, 11वें पॉइंट का 7वां टॉपिक जो होगा फैमिली पेंशन, वहां पर ये टॉपिक आएगा, तो जब वहां आएगा तो वहां भी करेंगे, लेकिन यहां आया तो बताना तो बनता है। ठीक है, बता दूं, वेयर सच पेंशन इज रिसीव बाय द फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय आफ्टर हिज डेथ, के बाद अगर मिलता है तो, या तो जिंदा है अभी दादाजी और वहां पर दादाजी निकल लिए, सच पेंशन इज नोन एज फैमिली पेंशन एंड इट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ फैमिली मेंबर अंडर द हेड, और एनुअल डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 57 इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सच फैमिली पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लोअर। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हुई और डेथ के बाद उसके परिवार वालों को पेंशन का अमाउंट मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा। इसके अंदर 2-3 चीजें और है, वो भी बताऊंगा जो मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो अदर सोर्स है, तो टैक्सेबल होगा, लेकिन वहां डिडक्शन दे रखी, नॉट एग्जेम्पशन। क्या दे रखी है, डिडक्शन। डिडक्शन क्या मिली हुई है, जितनी आपको फैमिली पेंशन मिली उसका 1/3, मान लो फैमिली पेंशन 90,000 मिली तो 1/3 कितना हो गया, 30,000 और ₹15,000 विच एवर इज लोअर हम डिडक्ट कर देंगे, बाकी पे हम लोग टैक्सेबल लेंगे। और सुनो, अगर किसी एम्प्लॉय को फैमिली पेंशन मिली है क्योंकि वो एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए उसकी डेथ हो गई मिलिट्री में पुलिस में, तो वहां पर पूरा का पूरा एग्जाम ऑल वेल, लेकिन वो अदर सोर्सेज का पार्ट है तो वहीं कर लेंगे, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं थी। डन मेरे भाई, ऑल वेल है। चलो अब कुछ केसेस में, अच्छा यहाँ है ना नीचे 10-19 में लिख दिया, कुछ केसेस में देखो, ये आर्म्ड फोर्स ओके, और परमवीर चक्र वगैरह किसी को मिला हो, डेथ हुई हो, अच्छी बात है, परमवीर चक्र वगैरह महावीर चक्र मिला है उनकी परफॉर्म करते वक्त डेथ हो गई मिलिट्री में, तो सर वो तो एग्जेम्प्ट में, अब उनसे भी टैक्स लोगे तो आप बेशरम हो, गवर्नमेंट की बात करना हमारी जी, मुझे क्यों देख रहे, ठीक है आगे की बात है। सही है मालिको, अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे, अब आप अपना जलवा दिखाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ।
स्टेशन नंबर 40 फटाफट, इलस्ट्रेशन नंबर 40 फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट करो। क्या मुझे एक मिनट दे सकते हो? बेटा लिखा तो है ही और गवर्नमेंट आपको ढूंढना है ना। नॉन गवर्नमेंट मान के करो। कितना आया? 60 सबका आ गया। किसका नहीं आया या किया नहीं? 60 ऑल वेल है। चल भाई फिर तो मुझे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कराना तुम्हारा नहीं आया। चलो सब सुनो, सब सुनो, मैं बताता हूँ। ये रहे ना, नहीं इसका कोई तरीका नहीं है, सामने है। सब सुन ले, प्लीज सुन ले, सब सुन ले। एक दो क्वेश्चन सुन लो, जब पकड़ बन जाए तो अपने आप कर लेना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग इज सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। बड़ा सस्ता एम्प्लॉय भाई, इतनी महंगाई के जमाने में 15,000 ले रहा। रिटायर्स फ्रॉम सर्विस एंड बिकम एंटाइटल टू रिसीव पेंशन ऑफ 9,000। ये पर मंथ कौन सी है? डन है। ही गेट्स हाफ ऑफ हिज पेंशन और रिसीव क्या कर रहा है? तो पक्का 180 डिवाइड बाय 50% करोगे तो 360 क्या आ जाएगी आपकी टोटल वैल्यू?
हैंस फोर्थ ही शैल बी एंटाइटल्ड टू ए पेंशन ऑफ 4,500 रुपीज पर मंथ। तो उसके बाद इसकी पेंशन क्या हो गई, 4,000, क्योंकि 50% कम्यूट हो गई और 50 अनकम्यूटेड। कंप्यूट द एग्जेम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10(10)(a) इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्यूटेड पेंशन, ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू। देखो बहुत प्यार से, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। इन दिस क्वेश्चन एम्प्लॉय वॉज एंटाइटल टू ए पेंशन ऑफ 9,000 आउट ऑफ विच हीज कम्यूटेड 50%, दैट इज 4,500, ठीक है, एंड रिसीव ए सम ऑफ 1,80,000। लेकिन एग्जेम्पशन क्या पूरे 81 की मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलती है 1/3 ऑफ द। तो एक काम करते हैं, या तो आप 1/3 ऑफ 9,000 कर लो, ठीक है। If commuted value of 4,500 is 180, then full commuted value will be 360 का 1/3 करना 1,20,000, ठीक है, और टोटल मिले कितने 180, 180 में से 120 गए, 60,000 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो द बैलेंस 60,000 शैल बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इस क्वेश्चन को करो, अगर एम्प्लॉई को ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो ऊपर वाला नहीं आया, समझ बिल्कुल नहीं आया, क्यों आयो, मैं करवा रहा हूं साइड में, सब सुनो बेटे, एक बार और सुन लो प्लीज। इस क्वेश्चन के अंदर कितने रुपए मिल रहे थे, 9,000 पर मंथ अनकम्यूटेड था, जिसमें उसने 50% क्या कर लिया, कम्यूट कर लिया, और 50 अभी भी क्या है, अनकम्यूटेड है। तो 9,000 का 50% जो अनकम्यूटेड है वो कितना हो जाएगा, यानी इतने वो हर महीने लेगा, ठीक है। तो ये तो फुली टैक्सेबल है, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी हमें, हमें पकड़ना है कम्यूटेड को। तो 50% जो इसने कम्यूट करवाया वो अमाउंट कितना था, 1,80,000 रुपये। कितना अमाउंट था, 1,80,000। मैं ये कह रहा हूं कि ये कम्यूट 50% हुआ, लेकिन हमें एग्जेम्पशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन। तो 1,80,000 तो कम्यूट हुआ, तो टोटल वैल्यू पक्का इसकी डिवाइड बाय 50% करोगे तो निकल जाएगी। यहां तक कोई समस्या, स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत? बाद में क्या हुआ, अब आपको चेक कर रहा है कि इसको ग्रेच्युटी मिली या नहीं मिली। इसको ग्रेच्युटी अगर नहीं मिली तो 1/2 अगर नहीं मिली तो 1/2, और मिली तो इस क्वेश्चन में मिली है, ग्रेच्युटी मिली है, तो 1/3 ऑफ 3,60,000 विल बी एग्जेम्प्ट। तो 3 का 3,60 से करोगे तो कितना एग्जेम्प्ट होगा, 120 विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन टोटल मिला कितना, मिला 180 है कम्यूटेड, और एग्जेम्प्ट 120 है, तो 60,000 मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ये टैक्स है, आ गया समझ। अब बताओ जी कोई बच्चा, ठीक है आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरा 41 करो फटाफट, मेरे को कोई कैलकुलेटर दे सकता है, मेरे पास नहीं है, कैलकुलेटर होना चाहिए सबके पास।
कितना है? 240। और सुनो भैया, अच्छे से सॉल्व करो, ये कैलकुलेटर में मत खेलो, कॉपी पे लिखो अच्छे से। नहीं नहीं यार, पेपर में भी तो करना है यार। शायद इसमें क्या था, ये अभी लग रहा है इसमें क्या था, पहले नहीं लग रहा था ना, अभी लग रहा है। अब ऐसे धीरे धीरे हम टैक्स को करते जाएंगे, देखना आपका सैलरी बहुत फेवरेट हो जाएगा। तुम्हारे पास जो टोटल अमाउंट होता है ना, जितना पेंशन का बना है वो एक डिवाइड कर देते जब तक तू जिएगा, वो तो जीवन भर जो काम किया है ना उसके अकॉर्डिंगली। तुम सही है, तूने कॉपी में नहीं किया ना। और ये क्या तरीका है करने का, ऐसे मत करना यार। जब क्लास वर्क है तो क्लास में लिखो, घर पे मत लिखो। ए चुप हो जाओ, कम्यूटेड एग्जेम्प्ट होता है, फुली टैक्सेबल। हाँ जितना मिला उतना टैक्सेबल। चलो भाई, ये क्वेश्चन सबका हो गया। एक बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, रिटायर कब हो रहा है? देखो कुछ बच्चों के हो जाते हैं क्वेश्चन, फिर वो पैपे पूपे करते हैं क्लास में, है ना। बाकियों के लिए भी थोड़ा सा सोचो, और अगर मैंने बोलना चालू करा तो आप लोग मुझे जानते हो, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी फिर। ए रिटायर्ड ऑन 15 अप्रैल 2023 फ्रॉम बी कंपनी लिमिटेड। तो बेटे कहाँ से रिटायर हुआ है ना, ये देखा था किसी ने ऐसे, ठीक है। ही वॉज इंटाइटल पेंशन ऑफ 8,000 पर महीने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये अनकम्यूटेड पेंशन है, उसको 75% ऑफ द पेंशन कम्यूटेड मिल रही है, तो कितना है, 2,40,000। तो इसको पहले फुल कर दो 75 करके, 3,20,000 इसको टोटल मिल रहा है। अब इसने दो क्वेश्चन बोले, अगर ग्रेचुटी मिली तो क्या होगा, तो ग्रेचुटी मिली तो 3,20 / 3 कितना आएगा, 106,667, ठीक है। और 240 में से ये माइनस कर दो, 1,00,000 कुछ आएगा आपका आंसर। और अगर नहीं मिला तो 3,20 / 2 तो ये 1,60,000, 260 में से 240 में 160 माइनस करो, 80,000 आ जाएगा आपको, आ गया 80,000। चलो अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी है। क्या निकालनी है, चलो अगला करो, ग्रॉस सैलरी निकालो फटाफट। ग्रेचुटी अगर नहीं हो रही रिसीव तो 1/2 एग्जेम्प्ट होता है टोटल वैल्यू से, 80,000। चलो चलो बेटे, कहाँ है तेरी कॉपी, कहाँ है पेन, कहाँ है, 42 करो। क्या आ गया, हाँ तो इसलिए दिया ना, करो अब दिमाग लगाओ, फिर मैं भी बता दूंगा। जल्दी से 42 क्वेश्चन करो, अठारह साल 9 महीने
सैलरी डीए 60% फॉर्मिंग पार्ट, 6 लाख ग्रेचुटी मिली है, पेंशन है। क्यों जाओ वैसे जाना चाहिए नहीं यार। आज तो टॉपिक ही दूसरा है। थोड़ा समझने की कोशिश नहीं करी तूने। जाओ अपने आप सॉल्व करो। इसमें आपका ग्रेचुटी भी निकलेगा और पेंशन भी। तो इस क्वेश्चन में पेंशन बड़ा आसान है। वो कैसे सब सुनो, पेंशन कितनी मिल रही है, कम्यूट कितनी करवा ली उसने, 7.5 लाख। पहले इसको 100% करो, 12 लाख। अब एक बार बताओ, इसको ग्रेचुटी मिल रही है, तो मिल रही है तो 1/2 या 3, 1/3 विल बी एग्जेम। 4,16,000 क्या हो जाएगा एग्जेम, तो 7,50,000 में से 4,16,000 माइनस कर दो, जो भी है 4,16,667 माइनस करो, तो आपका पेंशन का आ जाएगा। अब ग्रेचुटी का निकालो, ग्रेचुटी याद है आपको, कवर्ड नहीं है। आप लोग मान सकते हो, देखो अगर क्वेश्चन में कवर्ड नहीं लिखा होता या लिखा होता है तो वही करना है जो है, नहीं लिखा तो आपके ऊपर ऑप्शन है, आप क्या चूज करो। मैं आपको बोलता हूं आप बिना कवर्ड वाला चूज करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ डीए दे रखा है उन्होंने और डीए के ब्रैकेट में फॉर्मिंग पार्ट भी लिखा है, जो आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये एवरेज सैलरी कैलकुलेट करवाना चाहता है आपसे, दे रहा है ना इंस्ट्रक्शन, इसीलिए ग्रेचुटी निकालो। और ये सब अभी वर्किंग नोट में होगा, ग्रॉस सैलरी मेन आंसर निकलेगा आपका। पेंशन निकला बेटे, पेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं आया। आज की क्लास को पीछे की क्लास से कोई मतलब ही नहीं था, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनाया। आप देख सब कर रहे हैं क्वेश्चन, ये एवरेज सैलरी तो फॉर्मिंग पार्ट लेंगे, फॉर्मिंग कितना है 60% फॉर्मिंग पार्ट है, तो बता दे कर दे। तो आप लोगों को 2-3 मिनट और दे रहा हूं। ग्रेचुटी में एक्चुअल अमाउंट क्या रिसीव हुआ है, 6 लाख, गवर्नमेंट का कितना है 20 लाख, और तीसरा क्या है 1/2 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो 252,000 एग्जेम्प्ट होगा। तो सुनो, आपकी एवरेज सैलरी क्या निकली है, एवरेज सैलरी
28,000, ठीक है, एक बटा दो मल्टीप्लाई 28,000, और कितने साल काम किया है, मल्टीप्लाई 18 करो, 2,52,000 आएगा, तो 6,52,000, और 20 में से मिनिमम क्या है 252 एग्जेम्प्ट है, और टैक्सेबल क्या होगा 6,00,000 माइनस 352 विल बी माइनस करके जो भी आएगा वो टैक्सेबल। पेंशन और ग्रेचुटी दोनों के अमाउंट को अब सैलरी कैलकुलेट वाली लिस्ट में डाल दो, वो लिस्ट मैं बनवा रहा हूं आपकी। अब आ जाओ जी सब एक बार के लिए, दो मिनट और करो, पेंशन नहीं आई, बिल्कुल नहीं, सब सुनो बेटे, हेलो हेलो, अरे भैया इधर आ जाओ क्लास में, सब सुनो ध्यान से यार, समझ नहीं आ रही क्या बात, सुनो जी आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्रॉस सैलरी जब भी आपसे पूछे तो उसका मतलब क्या है, जितनी भी सैलरी में आने वाली चीजें होती हैं वो एक एक करके यहाँ डालना है, अमाउंट या नाम लिखना है या अमाउंट डालना है, नीचे आपकी क्या आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी निकालने से पहले इस क्वेश्चन में मेरे को इसने दो बातें बताई है, एक पेंशन बताया और एक ग्रेचुटी बताया जिसका इस्तेमाल मैं ग्रॉस सैलरी में करूंगा। तो पहले वर्किंग नोट में मैंने आपसे निकलवाया क्या, पहले ग्रेचुटी निकलवा दो, ग्रेचुटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा नहीं कोई, बस सुनना है, जिसका हो गया वो शांति से बैठेगा। हमें ये देखना है कि इम्प्लॉई कवर्ड है या कवर्ड नहीं है, सब सुनना, अगर इम्प्लॉई कवर्ड नहीं है और कवर्ड है, या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा बट आपके क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन वो आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको नॉट कवर्ड लेना है, कैसे, आपका डीए फॉर्मिंग पार्ट है, वो कैसे, डीए फॉर्मिंग पार्ट होता है और नॉट कवर्ड में हम सैलरी क्या लेते हैं, एवरेज सैलरी, नॉट कवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड, एक तो एक्चुअल ग्रेचुटी जो मिली है और दूसरा 20,00,000 बेटे, ग्रेचुटी का 20 है, 25 लीव इनकैशमेंट का है, 20,00,000, और तीसरा सर 1/2 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर, यही है ना रूल, तो चलो मैं मान रहा हूं नॉट कवर्ड, तो ग्रेचुटी कैसे निकलेगी, एक्चुअल क्या मिला 6,00,000, दूसरा 20,00,000, और तीसरा कैलकुलेट मैं कर रहा हूं हाफ मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी, कैसे निकलेगी एवरेज सैलरी बताओ, 12,500 प्लस प्लस जल्दी बोलो टोटल, नहीं 28,000 आपकी एवरेज है ना, ठीक है एवरेज 28 कैसे आई बेटे, समझ में आ गई बात, क्लियर है, 28 मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर कितने है 18, अरे इसका पार्ट ऑफ द ईयर नहीं लेते, तो बताओ कितना अमाउंट आया बेटे, ये आ गया, ठीक है, अब तीनों में मिनिमम क्या होता है एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल ग्रेचुटी क्या होगी 348,000, मैंने इसको साइड कर दिया फिलहाल के लिए, डन है। अब बताओ यहां किसी को बेटे आ गया, एवरेज सैलरी नहीं आई, बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं बेटे बोल, हाँ जी देखो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, एवरेज सैलरी एक बार देख लो आप लोग, बंदे ने काम कितने दिन किया है 7 महीने, उसकी सैलरी क्या थी बेसिक, यही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, 25,000 उसकी क्या थी बेसिक सैलरी, यहां तक कोई दिक्कत, डीए कितना था 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 25,000 का 20% कितना हो गया 5,000,
लेकिन हम एवरेज सैलरी निकालते वक्त लेते हैं डीए वही वाला जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होता है, तो ये 5000 का ओनली 60% क्या है, फॉर्मिंग पार्ट तो कितना हो गया 3000, तो 3 + 25 = 28, डन है। और कोई बच्चा जिसको समझ में आया हो, सही है। चलो अब पेंशन देख लो, पेंशन फिर आपको मैं ग्रॉस सैलरी निकालना सिखाऊंगा, वो किसी को नहीं आता, हालांकि एक दो क्वेश्चन पहले कराए हैं मैंने। अब देखो पेंशन में क्या है, कितना अमाउंट कम्यूटेड है, कम्यूटेड कितना मिला 7,50,000, लेकिन ये कितना परसेंट है, ये 60% है ना। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, टोटल जो है पेंशन, टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन। पहले मैंने 7,50,000 को डिवाइड कर दिया 60% से, मेरा आ गया 12,50,000। अब मैं पेंशन निकालते वक्त एग्जेम्प्टेड पेंशन जो निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा, तो चेक करूंगा कि मुझे ग्रेचुटी मिल रही है या, और इस क्वेश्चन में ग्रेचुटी मिल रही है, तो 12,50,000 का 1/3 विल बी एग्जेम्प्टेड, तो 4,16,667 ऐसी कुछ है, ये एग्जेम्प्ट हो गया। तो टैक्सेबल कितना होगा, रिसीव हुआ 750 माइनस 416667 कितना अमाउंट है, 333, ठीक है जी, डन है। अब ये दो अमाउंट मेरे को सामने मिल गए, बेटे आपको हो गया, आ गया, ये दोनों आ गए थे। अब जी ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं, चलो जी ग्रॉस कैलकुलेट करवा रहा हूं। अब सारे समझदार बच्चे देखेंगे, जब भी आप ग्रॉस सैलरी निकालते हो बीच में नहीं बात करनी चाहिए एक दूसरे से, चाहे कोई डाउट भी पूछ रहे हो बाद में पूछ लेना, पहले आपको हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन क्या है, किस बंदे को मिल रही है, मिस्टर ए को, तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर, हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, ये चीज आपको हमेशा अपने क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है, डन है। फिर आपने एक बढ़िया सा बॉक्स बनाना है और स्टार्ट हो जाना है, हमेशा स्टार्ट करा करो बेसिक पे से, बंदे ने 25,000 की सैलरी पे काम किया 7 महीने, 7 महीने कैसे, रिटायर कब हुआ वो, नवंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक उसको तनख्वाह मिली होगी, तो 25 का इंटू 7 करना 175,000, इस बंदे को डीए मिला, डीए कितना मिला 5,000, 5,000 इंटू 7 35,000। मतलब देखो ग्रॉस सैलरी का सबसे इजी टॉपिक ये है कि आपको क्या करना होता है, हर टैक्सेबल पार्ट को इसके अंदर डाल देना, बेसिक डीए कमीशन बोनस ये सब फुली टैक्सेबल होते हैं, इनको तो डाल ही दिया करो देखते ही, और बाकी वर्किंग नोट में जहां एग्जेम्पशंस होती है ना कुछ कुछ, उनकी एग्जेम्पशन हटाकर टैक्सेबल पार्ट निकालो और यहां पुट कर दो, है ना। चलो जी डीए के बाद अगला पोर्शन क्या है, ग्रेचुटी रिसीव्ड, ग्रेचुटी या तो आप यहां ऐसे कर देते, रिसीव हुई है 6,00,000 लेस एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड कितनी है 252,000, अमाउंट क्या आ गया, और अपना बेटे अनकम्यूटेड पेंशन, अब ये इसी वजह से आपका किसी का मैच नहीं कर रहा होगा, सब ध्यान से सुनना, उस बंदे को नवंबर और दिसंबर में पेंशन मिला 12,500 इंटू 2 नवंबर, यस और नो, यस और नो, अमाउंट आ गया इसका 25,000, लेकिन आप बाद में देखो उसका कम्यूटेड हो गया कितना, 5,000 रुपए, कितना हो गया मैं बताता हूं, वही बता रहा हूं बेटे, ही वॉज एंटाइटल टू ए पेंशन ऑफ रुपीज 12,500 पर मंथ फ्रॉम 1 नवंबर से दिसंबर तक, और 1 जनवरी 2023 से उस बंदे को क्या मिल रहा है 40%,
12,500 का 40%, क्योंकि 60 कहाँ चला गया? म्यूटेड में आया, समझ में? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 नवंबर से, नवंबर और दिसंबर में उसको दोनों महीने की अनकम्यूटेड पेंशन मिली है 12,500 की, तो ये तो फुली टैक्सेबल है 12,500 मल्टीप्लाई टू। लेकिन 1 जनवरी से उस बंदे को अब उसकी पेंशन सिर्फ 40% मिल रही होगी, क्योंकि 60% क्या हो चुका है, कम्यूटेड हो चुका है। तो 12,500 का 40% कितना आ गया? 5,000 आ गया सबको। हाँ, 2 महीने की 12,500 और 3 महीने की जनवरी फरवरी मार्च की 5,000, तो 5,000 मल्टीप्लाई 3 मंथ, जैन फेब एंड मार्च, मार्च में हमारा साल खत्म हो गया, 15,000। यहाँ टोटल कितने आ गए? 40,000। और बाकी कम्यूटेड पेंशन में देखो, टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन कितनी निकाली थी वर्किंग नोट में? 333333 सबको जोड़ दो, ग्रॉस सैलरी आ गई। यस बेटे, बोलो जी। ऐसी क्लास में सुना करो, कितने अच्छे से हो जाएगा। पै 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 पै, कोई किसी से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है। चला दो बेटे, चला दो, डन है। तो खत्म करते हैं पेंशन की टेंशन, कैसा लगा? चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे, लेट्स स्टार्ट। आ गई ग्रॉस सैलरी। तुम क्या सोच रहे थे, पंखा चलाते हुए जा यार, ओ भैया चला दे यार। एवरेज सैलरी तो एक ही महीने की निकाल रहे हैं ना, तो फिर वो टाइम क्यों लेंगे? एवरेज तो एक ही की निकलती है ना, डिवाइड बाय 10 कर देते हैं। हाँ बेटे बोलो, सबका फुली टैक्सेबल। चले आगे बढ़े, अब एक नया पोर्शन स्टार्ट करवा रहा हूं तुम्हारा। रिटायरमेंट बेनिफिट में अभी भी कुछ है, लेकिन अब मेरा बिल्कुल परक्यूजिट स्टार्ट कराने का मन कर रहा है। मेरा यही सीक्वेंस रहता है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? अब मैं करा रहा हूँ परक्यूजिट, पूरा परक्यूजिट लाइन से खत्म करेंगे, एक से लेकर एंड तक, बहुत बड़ा है। करते स्टार्ट, चलो। फिर से पूछ लेना क्लास के बाद। 38 अभी बताता हूं, ये जो हमने पिछली क्लास में किया था, फिर से पूछ लेना आप, मैं बता दूंगा अभी। चलो बेटे, अब सब सुनेंगे, बस थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर रहा हूं परक्यूजिट। शांत हो जाए, सर की क्लास में नहीं बोलते यार, सर से बात करनी पड़ेगी मुझे, बोलते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े ढील में हो, 2-4-5 ही हैं यहाँ पे, तो डोज देना पड़ेगा, नहीं मानेगा तू है, गलती हो गई क्या तेरे से पास होने की?
दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा भी पास होना है, आ जा। इंटर है, फाउंडेशन नहीं है, मत बुलवा, अच्छा नहीं लगता यार, सीनियर हो गए तुम लोग, अच्छा नहीं लगता। फाउंडेशन के बच्चों को बोलने में मजा आता है, तुम्हें आज तक बोलना नहीं पड़ा इंटर में, पता नहीं क्यों बोलना पड़ रहा इस बार। सब क्लास वो पहले से सब ऐसे बैठे रहते इंटर वाले, वो पहले से टेंशन में रहते क्या बोले उनको, तुझे कोई चिंता ही नहीं हो रही यार। वो भाई नहीं मत करा, अच्छा नहीं लगता। चलो जी अब टेक्सेबिलिटी करते हैं परक्यूजिट्स की, तो जरा प्यार से सुनेंगे परक्यूजिट्स क्या होता है। अलाउंसेस क्लियर है, रिटायरमेंट बेनिफिट तीन करवाए पूरा ओके, परक्यूजिट पूरा का पूरा फिनिश करते हैं। परक्यूजिट का मतलब होता है बेनिफिट मिल रहा है काइंड में, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को बेनिफिट दे रहा है और दे रहा है कौन से में, काइंड में, ठीक है। अब वो काइंड क्या क्या हो सकते हैं, पहले उन काइंड के नाम लेने वाला हूं, एक एक करके नाम लेता हूं सीक्वेंस में, बिल्कुल दिमाग में फिट करने हैं, क्योंकि उन सबके ऊपर हमें प्रोविजंस करने एंड क्वेश्चंस भी करने। सबसे पहला है रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसके ऊपर अमेंडमेंट आई है, आपके एग्जाम के लिए बहुत सुपीरियर लेवल का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल नया अमेंडमेंट दिया हुआ है इसके लिए, ठीक है। और मेजर अमेंडमेंट है, कोई माइनर नहीं है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड की हुई है अमेंडमेंट के लिए। Then, RFA, तो सर RFA का फुल फॉर्म बता दो, RFA का फुल फॉर्म होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। मैंने अलावेंस में क्या बताया, मालिक ने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दिए पैसे, और यहां पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को पैसे नहीं दिए, यहां पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को काइंड दे दी, रहने के लिए घर दे दिया, कहता भाई तू इस फ्लैट में रह। अब एक बात बताओ, वो एम्प्लॉय अगर खुद किसी फ्लैट को किराए पर लेता तो वहां पर उसको टैक्स देना पड़ता या नहीं, मतलब सॉरी रेंट देना पड़ता, लेकिन अब उसका रेंट बच रहा है, इनकम टैक्स कहता है मैं तेरे से फिर इस पे क्या लूंगा, इनकम पे टैक्स लूंगा। अब ऐसा हो सकता है, खुद ही सोच के बताओ, क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी हर पर्सन जिसको आरएफए मिला है उसका रेंट एग्रीमेंट ले लेके घूमे, मैं अथॉरिटी हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं आरएफए पे टैक्स लूंगा आप लोगों से, आप सब एम्प्लॉयज हो तो आप सब अपना रेंट एग्रीमेंट मेरे पास ले आए, लो सर ये रहा है मेरा रेंट एग्रीमेंट। तो बेटे ₹50 का रेंट एग्रीमेंट बनता है, जिसमें आप अपना किराया जो है ₹1,000 भी बता सकते हो, यस और नो। अब जो आरएफए मिला है आपको, जो घर मिला है, वो घर की वैल्यू इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या पता क्या होगी, मान लो घर मिला हो ग्रेटर कैलाश में, मान लो शेख सराय में, दक्षिणपुरी, जहांगीरपुरी, और भी है एरिया खतरनाक भी है, अच्छे भी है, आरकेपुरम, बसंत कुंज, अलकनंदा, बहुत अच्छे बुरे ऐसे उल्टे सीधे एरियाज है, दिल्ली की बात कर रहा हूं, बाकी का मुझे नहीं पता ज्यादा। अब हर घर की वैल्यू क्या होती है, अब क्या सबको समान तरीके से टैक्स पे इक्वल, कोई किसी को ग्रेटर कैलाश में घर मिला है तो वो टैक्स दे रहा है मान लो घर पे साल का 20,000, और किसी को दक्षिणपुरी के खोपचे में मिला है उससे भी 20,000 ले रहे हैं, ये क्या है, गलत नहीं है? तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो खुद इनकम टैक्स अथॉरिटी ने एक फॉर्मूला तैयार किया है आप लोगों से टैक्स लेने का, तो उस आरएफए को पढ़ना है, बहुत बड़ा है आरएफए, बहुत बड़ा है, लेकिन जब एक बार कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसकी रिवीजन भी 5 ही मिनट में हो जाती है। आरएफए पहला समझ में आ गया, दूसरा परक्यूजिट है एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया या कंसेशनल लोन दे दिया। कंसेशन पता है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाते तो 11% आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता, मालिक ने बोला मुझे 2% दे दियो जा, या तू दे ही मत, तू बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, तो ये आपके लिए परक्यूजिट हो गया, ऑल वेल। अगला परक्यूजिट सुनो, ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉई की और मेट कर दिया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉई की ऑब्लिगेशन जैसे कि
इम्प्लॉई का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, वो मालिक ने बोला यार छोड़ मैं पे कर दूंगा। इम्प्लॉई का प्रोफेशनल टैक्स पे करना था, मालिक ने क्या बोला मैं पे कर दूंगा। याद आया प्रोफेशनल टैक्स, क्लास में बताया था सैलरी में। या इम्प्लॉयज के और भी कुछ और बिल्स थे जो इम्प्लॉयर ने पे कर दिए, 100% टैक्स लगता है, लेकिन है तो परक्यूजिट है या नहीं है बताओ। क्या इम्प्लॉय को कैश दिया, इम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन इम्प्लॉयर ने पूरी कर दी, बात खत्म हो गई है ना यहां तक। नंबर नेक्स्ट, इम्प्लॉयर का मूवेबल एसेट्स इम्प्लॉय यूज कर रहा है, इम्प्लॉयर का एसेट्स इम्प्लॉय यूज कर रहा है। जैसे इम्प्लॉयर की मोटरसाइकिल है, वो मालिक ने दे दी जा तू ही चला ले, और खुद की बाइक खरीदता तो 1 लाख की पड़ती, इम्प्लॉय की है। हाँ भाई सब पे कुछ नहीं छोड़ते ये, ऑफिस में काम करते वक्त टिश्यू पेपर का यूज भी मत कर लियो, उस पे भी ले लेंगे, सांस ले सकते हो क्योंकि कमाओगे कैसे, सांस नहीं लोगे तो मर नहीं जाओगे फिर तो उनका ठीक है डन। तो कितनी बातें बताई, पांचवा, पांचवा सुनो, किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट ट्रांसफर कर दिया सस्ते में। एम्प्लॉयर की कार थी, वैल्यू थी 8 लाख रुपए, 3 लाख में दे दी। वैल्यू कितनी थी 8 लाख, थी कितने में, तो बचे हुए 5 लाख का क्या हुआ, फायदा हो गया, परक्यूजिट है। समझ में आ गई बात। नंबर नेक्स्ट सुनते जाना अभी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे दिया, वो छोटा मोटा गिफ्ट नहीं तो बढ़िया वाला गिफ्ट दिया, 10,000, 20,000, 30,000 की वैल्यू का, या तो चेक दे दिया या तो परक्यूजिट दे दिया। परक्यूजिट मतलब गिफ्ट दे दिया काइंड में, कि ले भाई मेरी तरफ से तेरे को ये गिफ्ट। नेक्स्ट सुनते जाओ, एक क्रेडिट कार्ड दे दिया एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने, क्या भाई स्वैपिंग मारते करते रहिए स्वैप, कोई बात नहीं मैं हूं ना डन। या किसी क्लब की मेंबरशिप दिलवा दी, वो डीजे वाला क्लब नहीं, रात को 2 बजे जहां जाते हो, और तुम तो जाते ही नहीं हो, तुम्हारी सुबह क्लास होती है ठीक है तो अजय संडे हमारी क्लास है पता है, 4 घंटे की मेरी क्लास है, 4 सर मंगा के बेटे मेरे लिए सैंडविच चाहिए, अनियन मत डालियो और गार्लिक नहीं, और जहर कतई मत डालियो पहले तुझे ही खिलाऊंगा अभी सुनना, उसको क्लब का मेंबर बना दिया, जैसे आपने देखा होगा ये एनएफसी क्लब है, और भी है कहीं पंचशील क्लब, कंट्री क्लब, और भी बहुत, गोल्ड्स जिम है ना, वहां पर भी मेंबरशिप होती है, तो इनके मेंबर बना दिए। अगर आप अपनी जेब से क्लब का मेंबर बनो तो बड़े पैसे लगते हैं, और इसके अलावा आपको दे दिया इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर दे दिए, मार्केट वैल्यू 2000 की थी, आपको मिले 2 रुपए में, तो कितने रुपए का फायदा, 1998 रुपए का फायदा पर शेयर। सही है, या आप नौकरी कर रहे हो तो मालिक कह रहा है बहुत थक गया, एक काम कर टूर पे जा, भाभी जी को भी ले जाइए, ठीक है, तो एम्प्लॉय ने भी मालिक की बीवी का हाथ पकड़ा गया, चलो भाभी जी तो ये नहीं करना ठीक है। तो ये भी परक्यूजिट है, अगर मैं खुद घूमने जाऊंगा तो पैसा लगेगा या नहीं, खुद घूमने गया तो पैसा लगेगा, तो मालिक इन ट्रेवलिंग, आ गया समझ में, ये सारे एम्प्लॉयज को मिलता है परक्यूजिट। कुछ और भी परक्यूजिट है जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को मिलते हैं, स्पेसिफाइड नाम से पता लग रहा थोड़ा सा स्पेशल एम्प्लॉयज होगा वो, तो किसी एम्प्लॉय को ऑफिस से कार मिली है विद ड्राइवर, स्पेशल होगा या कौन होगा, स्पेशल होगा
एम्प्लॉयर अपने मालिक के बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल में फीस भर रहा है अपनी तरफ से, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है, वहां 100 रुपए एग्जाम्प्ट है, कैश मिलते हैं, या फीस खुद भर रहा है मालिक? डाउट है भर क्यों रहा है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सुनते जाना अभी, बड़ा अच्छा है। मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है एम्प्लॉई या उसकी फैमिली मेंबर का, देश में या विदेश में? तो विदेशों में मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो एम्प्लॉय खास होगा या आम होगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो परक्यूजिट्स डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, एक तो परक्यूजिट्स मिलते हैं ऑल एम्प्लॉयज पे, और एक परक्यूजिट्स मिलते हैं किसको? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। हम दोनों के दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहला मैं आम एम्प्लॉय वाला बताऊंगा जो ऑल एम्प्लॉयज को मिलते हैं, कुछ 12 परक्यूजिट आई थिंक मैं आपको करवाऊंगा सीक्वेंस में, और आरएफए से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बताओ परक्यूजिट्स को समझने में कोई दिक्कत? ये तो आ गया सर, अब इसके प्रैक्टिकल पोर्शन को करेंगे, तैयार रहना। चलो जी, कोई डाउट है? नहीं है डाउट? ये सर, सर 6:45 बोला था या 6 बजे छोड़ने को? आ जाओ। तो मीनिंग ऑफ परक्यूजिट इन सिंपल वर्ड्स, परक्यूजिट आर द बेनिफिट्स और फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन एडिशन टू द नॉर्मल सैलरी। परक्यूजिट की लिस्ट इन्होंने दे रखी है, लिस्ट ऑफ परक्यूजिट। तो कैटेगरी 1, परक्यूजिट की कैटेगरी नंबर 1, आ जाओ। नहीं नहीं लिखनी विखनी नहीं है बेटे, लिख के ही तो दिया है, मैं लिखने पे आओगे तो 2.5 साल में कोर्स होगा खत्म। आ जाओ, कैटेगरी 1 परक्यूजिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(2). सबसे पहला है आरएफए, डन। फिर एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट रेंट, ये आरएफए का भाई है, एक साथ ही पढ़ाऊंगा। परक्यूजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। तो देखो, मोटर कार किसको मिलती है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, सर्वेंट किसको मिलता है? या हमें तो साला सर्वेंट बना के रखते हैं। हमें कहाँ सर्वेंट देंगे वो लोग, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, एजुकेशन, ये वही एम्प्लॉय के बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़वाना या एम्प्लॉय को और पढ़वाना। फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो ये सारी की सारी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। इसके अलावा अभी नॉर्मल परक्यूजिट है ये चल रहा है, जो बॉक्स के अलावा जो है वो सब नॉर्मल, सबको मिलने वाला। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज और मेट बाय द एम्प्लॉय की LIC का प्रीमियम देना था, मालिक ने बोला मैं दूंगा, ऐसा बहुत हो सही है, या कोई और ऑब्लिगेशन थी, इनकम टैक्स ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, पेमेंट ऑफ द LIC प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, हो गया इसी के साथ का है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर, डन है। 2000 का शेयर 2 रुपए में मिल गया, मौजी मौज है भाई। ऐसे अगर 1-1.5 लाख शेयर हमें मिल जाए, दिक्कत ही क्या है जीवन में, है ना जी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF कहाँ पे? अच्छा एक बात बताओ, सब अपने दिमाग की पूरी बत्ती ओपन रखना, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं कौन कौन? एम्प्लॉयर एंड दोनों करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन या नहीं? आया ना? यस सर। ये तो इसकी खुद की सैलरी से कटा होता है, लेकिन ये कौन दे रहा है? फ्री फंड में मिल रहा है या कैश मिल रहा है डायरेक्ट हाथ में? ले भाई, अकाउंट में जमा हो रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी परक्यूजिट है प्रोविडेंट फंड में। आ गया समझ में? चलो, एनुअल एक्रेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर टू द बैलेंस ऑफ क्रेडिट टू द RPF, ये हम पढ़ेंगे आगे। कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जैसे इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। बताया था मैंने, लोन लेने गया SBI, कह रहे लंच हो रहा है। SBI में कभी भी जाओ लंच ही मिलेगा आपको। मालिक को बताया, मालिक लोन लेने जा रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है। मालिक कह रहा पागल है,
मेरे यहाँ 15 साल से काम कर रहा है, तूने इतनी अचीवमेंट दिलाई मुझे, चल जा 5% दे दियो मुझे, कितने पैसे चाहिए, 2 लाख रुपए ले जा। भाई बात समझ, ऐसे मालिक मिल जाए कितना बढ़िया। फैसिलिटी और ट्रैवलिंग, टूलिंग और एकोमोडेशन, पूरा स्टाफ लेके गए घूमने के लिए। चलो जी बनारस, लखनऊ और भी 2-4, अयोध्या, चलो घुमा के लाते हैं। खुद के पैसों से जाते तो पैसे लगते जेब से, लगते या नहीं। फ्री फूड और रिफ्रेशमेंट, बेटा खाना भी मत खा लेना ऑफिस का, खाने से पहले पूछ लेना टैक्सेबल तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऑफिस में फूड मिला है, पैसे जो समोसे वमोसे मिलते हैं एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो मील लेते ना, मील, पूरी मील, वो टैक्सेबल होती है। गिफ्ट मिली है एम्प्लॉयज को, क्रेडिट कार्ड, क्लब फैसिलिटी, बताया था ये सब, इन सबको फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं, ठीक है। यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स मूवेबल एसेट्स बाय द एम्प्लॉय, सेल ऑफ मूवेबल एसेट, लेकिन सस्ते में, रेट टू रेट बेचेगा तो परक्यूजिट कहाँ है। 8 लाख की कार 8 में बेची तो परक्यूजिट क्या है, मामू बना रहा है। 8 की कार 2 में बेची, परक्यूजिट है। और एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट, ऑल वेल। अभी नाम पढ़ रहे हैं, अभी इन सब के प्रोविजन आएंगे आगे, बस आरएफए का बड़ा है, बाकी छोटे छोटे। कैटेगरी नंबर 2, मेडिकल फैसिलिटी और लीव ट्रेवल कंसेशन। भ्रमित मत होना, ये लीव ट्रेवल कंसेशन की बात कर रहा है, लीव इनकैशमेंट की बात नहीं कर रहा। लीव इनकैशमेंट इज द डिफरेंट थिंग, लीव ट्रेवल इज डिफरेंट थिंग। तो यहां पर मैं बताऊंगा, स्टार्ट कर दें, कर दे जी। चल तो सबसे पहले बात करेंगे आरएफए की। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को आरएफए दिया है, एक बार बताऊं। अब आपको ना पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल चुका है, पूरे चैप्टर में क्या क्या है तुम्हें समझ में आ चुका है कि ये सारी चीजें टैक्सेबल हो सकती हैं। कुछ के प्रोविजन तुमने पढ़ लिए, कुछ के प्रोविजन बचे हुए, बस वो प्रोविजन हम लोग देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आरएफए सेक्शन नंबर 17(2) रूल 3 के साथ हम लोग पढ़ेंगे। एम्प्लॉय की कैटेगरी कौन सी है, तो परक्यूजिट वैल्यू, और ये वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है इस आरएफए में, परक्यूजिट निकालना है। क्योंकि अलावेंस तो हम कहीं और निकालते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट कहीं और निकालते हैं, प्रोविडेंट फंड कहीं और निकालते हैं, इधर क्या निकालना है, परक्यूजिट। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर आरएफए मिला हो तो एक लाइन का है बस, पहले मैं आपको बताऊंगा फिर आपको पढ़वाऊंगा, सब सुनना जी ध्यान से। गवर्नमेंट के फ्लैट्स मिले हुए हैं, देखे हुए हैं आप लोगों ने, पुष्पा भवन इधर है ना साइड में, पुष्पा भवन की साइड में भी कई सारे गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं अंदर, है ना। और पुष्प विहार, ठीक है, पुष्प विहार के आसपास जो है गवर्नमेंट के कई सारे फ्लैट्स हैं, कनॉट प्लेस के आसपास ही बहुत है, वहां गवर्नमेंट के कई इंप्लॉयज रहते हैं, मतलब हर एरिया में गवर्नमेंट के फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे। कहीं पर बहुत अच्छे हैं, कहीं पर बहुत मिडिल क्लास है, कहीं पर बहुत लोअर क्लास है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, वो अपने घर की ना एक लाइसेंस फीस तय करी हुई है, हर घर की लाइसेंस फीस है, बहुत नॉमिनल होती है, एरिया वाइज डिवाइडेड है, क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आरएफए मिला है तो लाइसेंसिंग फीस विल बी टैक्सेबल, दैट्स इट। किसी एरिया की कुछ और होगी, किसी एरिया की कुछ और होगी। मैं आपको लाइसेंस फीस के नाम पे एक एग्जांपल देता हूँ। सब लोग कनॉट प्लेस गए हो ऑलमोस्ट, जनपथ सही लगा लो, बोला है कभी वहां जाके, लेडीज के लिए बहुत अच्छी मार्केट है जनपथ, और लौंडों को जीन्स चाहिए तो पालिका बाजार के ऊपर 500 रुपए में, 700 रुपए में कॉलेज गोअर्स जाते हैं लेने, और अच्छी होती है वो। कहीं तो कनॉट प्लेस में आप जाएं तो कनॉट प्लेस में देखा होगा फुटपाथ के बगल में ना छोटी छोटी एमसी, एनडीएमसी की दुकानें हैं, जिसमें चाय, सिगरेट, समोसा, मैगी, सैंडविच, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक सब मिल जाता है। देखा है, उन एक दुकानों की पर डे की सेल ₹1,00,000 से ऊपर तक जाती है, छोटी सी दुकान इतने में। मतलब अगर वो बंदा जो अंदर बैठा हुआ उसने सही से सांस ले ली ना, दुकान थोड़ी आगे हो जाए, इतनी छोटी सी दुकान होती है, लेकिन पर डे की सेल 1 लाख 2 लाख रुपए। पता है आपको उनका किराया कितना जाता है साल का, 200-300 रुपए।
ये रेट तय है एनडीएमसी का इतना किराया जाता है, तो सरकारी है शुरू से वही रेट है, वही चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस की तरह 100 रुपये बढ़ाना ही नहीं है कभी जाके पूछना, उनका रेट बहुत कम है। गवर्नमेंट की चीजें तो आप लोग जानते ही हो, तो लाइसेंसिंग फीस भी क्या होती है, क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको टैक्सेबल कर देना है सिर्फ वही अमाउंट जो लाइसेंसिंग फीस होता है, क्वेश्चन आएगा ही नहीं पेपर में, पागल थोड़ी इंस्टीट्यूट ये देगा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इतना बीकॉम का बच्चा ना सॉल्व करे इसको, ठीक है। लेकिन हमारी ड्यूटी है इसको पढ़ना, तो पढ़ लिया भाई। आरएफए मिला है नॉन गवर्नमेंट, तो इसको पहले एक पढ़ाना होता था, अब डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, मतलब कि मैं अगर आपने सतर्कता दिखाई 5-10-15 मिनट तो आपका आरएफए जो है ऑलमोस्ट फिनिश कर दूंगा प्रोविजन पे। क्वेश्चन इसके 4-5 मेरे पास है, बड़े बड़े वो भी करेंगे। यस, आरएफए मिला है कौन से एम्प्लॉय को, पहले ऐसा नहीं करना होता था, अब करना है, आपको चेक करना है आरएफए मिला कब है। अमेंडमेंट आने से पहले आपको ये काम नहीं करना होता था, अब करना है, आरएफए आपको मिला कब है। अगर आपको आरएफए मिला है 1 अप्रैल 2023 से 31-8-2023 के बीच में, 1 अप्रैल 23 से, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपका 23-24 है ना, इसलिए 1 अप्रैल 23 बोला है। और अगर आपको आरएफए मिला है 1-9-2023 से 31 मार्च, क्या बेटे उठा लो बोल दो, अभी आधे घंटे में आ रहे हैं। हाँ ठीक है, आरएफए मिला है 1 अप्रैल 23 से 31-8-23 तक, और आरएफए 1-9-23 से 31 मार्च 24 तक, ठीक है, यहां तक डन है। पहले ना ये वाला करवा रहा हूं, ये वाला इधर वाला लेफ्ट साइड, क्वेश्चन पढ़ लेना, और शायद आपके पेपर में ना दोनों आएंगे, आधा आरएफए यहां दिलवाएंगे, आधा यहाँ, अमेंडमेंट आई हुई है, ठीक है, और मैं दोनों वाले ही कराऊंगा क्वेश्चन में। फिर आपको दूसरा काम ये चेक करना है कि जो एकोमोडेशन मालिक ने दिया है अपने एम्प्लॉय को, क्या मालिक ने रेंट पे लेके दिया है या मालिक के खुद का था, क्या रेंट पे लेके दिया या मालिक के खुद का था। तो मैं लेफ्ट करा रहा हूं, या तो नॉट ओन्ड है, नॉट ओन्ड मतलब रेंट पे लेके दिया होगा मालिक ने, या मालिक के खुद का ही है, ठीक है, डन। अगर नॉट ओन्ड है तो सबके सब सुनेंगे, सब सुनेंगे बहुत अच्छे से, उस एरिया में मिला है जहां की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, जहां की पॉपुलेशन अप टू, तो 7.5% ऑफ सैलरी, इतनी 7.5% ऑफ सैलरी। चार्ट समझ में आ रहा है सबको, है ना जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो, एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, यहां ओन्ड है, यहां पर नॉट ओन्ड है। अगर एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर है, के खुद का घर है, तो जिस एरिया में वो घर है वहां की पॉपुलेशन अगर अप टू 10 लाख है, तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख, 1 से 25 लाख पॉपुलेशन है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा,
तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर 25 लाख अबव है तो 15% ऑफ। आ गया समझ में? आ गया समझ में? ये टैक्सेबल है, सही है। मतलब ये बात मानता है इनकम टैक्स अथॉरिटी कि तनख्वाह का 7.5% ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी जगह जहां जनसंख्या कम है तो वहां किराया भी कम होगा, ऐसी जगह जहां जनसंख्या मॉडरेट है वहां किराया थोड़ा ज्यादा होगा, और जहां 25 लाख अबव है तो वहां किराया भी ज्यादा होगा। आया समझ में? ठीक है, चैलेंज ये है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? यस, तो एचआरए की सैलरी क्या थी? बीसीडी, बस बेसिक कमीशन, डीए कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और सेल्स, और डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। बड़ा आसान। हियर सैलरी मींस बस कंडक्टर, ड्राइवर, मालिक, ट्रैफिक वाला। देखो भाई, ट्रांसपोर्ट की लाइन में यही होता है, बस कंडक्टर, उसका ड्राइवर, उसका मालिक, और रास्ते में दारू पी के चलाएगा तो ट्रैफिक वाला धरेगा तेरे को। तय नहीं होता ये, तो बस याद करने के लिए। हाँ, दिख रहा था कुछ, दिख रहा तो मैंने ये दिमाग में आके बना दिया। ठीक है, क्योंकि एचआरए में बस कंडक्टर ड्राइवर है तो इजी रखता है यहाँ पे। सही है, इसकी सैलरी को अच्छे से समझना, खासकर आखिरी दो वाली को। B4 तो आप बहुत समझदार हो, बस ये प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा लगा। रुक जाओ बस 25 मिनट और, मैंने भी बोला हाँ तो 5:45 के लिए 25 मिनट है अभी। अच्छा कर लेते हैं ना, रुक जाओ ना यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें ऐसे टीचर्स मिलते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे ऊपर। बाकी जगह पे जाओगे 2 घंटे की क्लास बोलेंगे, 1.25 घंटे लेट आएंगे, 15 मिनट पहले छोड़ेंगे, बोलेंगे आप तो समझदार हो, तू तो 100 लाएगा बे, हंस रहा है। जिसको बोला 100 लाएगा वो चढ़ जाता है जी, 100 लाऊंगा मैं, उसका सेशन चला जाता हवाबाजी में, पता भी नहीं चलता। अगला टाइम देते हैं फिर दूसरी जगह पे डबल फीस देंगे आपको, मेहनत करवाने वाले मिल रहे तो करो मेहनत, है ना। तो बेसिक सैलरी B4 बेसिक, C4 कमीशन। तो मेरे प्यारे, कमीशन लेना एनी टाइम वाला, मतलब क्वेश्चन में जो भी कमीशन हो उठा के ले लेना, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, डन है। डीए मेरा होगा फॉर्मिंग पार्ट, फॉर्मिंग पार्ट के आगे लिखवाने की जरूरत है क्या? समझ गए होगे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। BCD करवा दिया। M है मेरा मॉनेटरी बेनिफिट्स, लाइक बोनस, फीस, जो लीव इनकैशमेंट हम ड्यूरिंग द जॉब ले लेते हैं एक्सेट्रा, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं ना, जैसे ये बोनस और फीस वगैरह मिल जाती है। देन एंड T4 टैक्सेबल पार्ट ऑफ ऑल अलावेंस, इसी वजह से पहले अलावेंस पढ़ाया है। जितने अलावेंसेस क्वेश्चन में हो उनका टैक्सेबल पार्ट निकालना, जैसे HRA दे रखा है तो HRA का पहले वर्किंग नोट बनेगा, उसका टैक्सेबल HRA निकाल के यहां डालोगे। और मान लो हेल्पर अलावेंस है, 20,000 रुपए के हेल्पर मिले लेकिन 18,000 का पड़ा, तो टैक्सेबल कितना? मान लो सर्वेंट अलावेंस मिला 30,000 का, सर्वेंट स्कोप MTNL का पार्ट है, फुल्ली टैक्सेबल। सिटी कॉम्पनसेटरी मिला है, फुल्ली टैक्सेबल। इंटरटेनमेंट मिला है, चेक करो एम्प्लॉय कौन है, सही है। देन ऑल वेल, बताओ जी कैसा लगा अभी तक? ये तो तब है जब एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर के घर खुद का घर है,
ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। और अब देखते हैं नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, नॉट ओन्ड अगर होता है तो आपने क्या कर देना है, 15% ऑफ सैलरी और जो भी रेंट पेड करता है मालिक लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी लिख दो विच एवर इज, आ गया, विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट। सब सेम है, सब सेम। अब इसकी भी अलग होगी तो फिर दुखी आत्मा हो जाएंगे सब। अच्छे से नोट कर लो अगर करने का मन है तो, वैसे तो सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। देखो आपके डायरेक्ट टैक्स के जो नोट्स बनाए हुए हैं ना वो बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, सारी चीजें इसके अंदर है, मिलेगी 10 दिन में। कहां पे पर मंथ होगा तो पर एनम निकाल लेना टैक्स, तो मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ जाए, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। पाजी हो गया है, पाजी कह रहा है 20 साल हो गए। चलो जी आगे बढ़े, अब जी आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ना समझने वाला पॉइंट है और ये तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, यानी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब एक क्वेश्चन में आरएफए इस तारीख पे भी मिला है और इस तारीख पे भी मिला है, फिर पूरा निकालो इसको। आराम से पहले क्वेश्चन में आपको 15-20 मिनट लगेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद 6-7 मिनट में, 5 मिनट में हो जाएगा। 8 नंबर 7, अरे करो ना, 10-12 क्वेश्चन करोगे तो होगा नहीं 5-7 मिनट में। चलो मैं आप सबको एक बार बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, तुम लोग पता नहीं सीरियस नहीं लेते हो, जैसे अभी नहीं ले रहे सीरियस बात कर रहे हो। मैं तुम्हें रिपीट कर करके बार बार बता रहा हूं, ज्यादा क्लासेस अभी हमने नहीं किए इसीलिए पहले से बता देता हूं, ये जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये जितना पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्टिंग है उतना ही ये लेंथी भी है। डायरेक्ट टैक्स अकेला आपको वैसे 50 नंबर का या 150 नंबर का होना चाहिए था, कोई बात नहीं 50 का ही है, लेकिन आप इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना अपने घर पे जाके। अगर आपने घर में चूक कर दी ना एक दो दिन की भी, मैं कह रहा हूं फिर बाद में बोलते फिरोगे कि सर वो चैप्टर छूट गया, बहुत दिक्कत करते हैं ये जो बच्चों के अटेम्प्ट छूटते हैं ना, असल में वो अटेम्प्ट छूटने के रीजन उनकी कंसिस्टेंसी का ना होना होते हैं। और वही बच्चे अटेम्प्ट छोड़ रहे होते हैं और वही कुछ दूसरे बच्चे हैं जो उसी सेशन में रैंक लेकर आ रहे होते हैं, या दोनों ग्रुप पास कर लेते हैं या एक ग्रुप अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं, बस एक डिफरेंस उनकी कंसिस्टेंसी का होता है। और पता है दुनिया की सारी चीजें एक्सक्यूजेज है कि सही नहीं पढ़ाया, सही नहीं पढ़ा, ये कमी रह गई, मेरे को समझ नहीं आया, समझा नहीं पाया, ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिलासा देने वाली बात होती है। तो पास होना होता है वो पास हो जाता है, अपना रेगुलर बेसिस पर, कंसिस्टेंट बेसिस पर क्लासेस लेना, डेली बेसिस पर घर पे इसकी प्रैक्टिस करते रहना। लॉ फ्री फंड का है, अगर घर पे डेली आधा घंटा लॉ पढ़ लिया आपको लॉ के अंदर, मतलब हर दिन पढ़ना, हर दिन ही, तो एंड में फिर लॉ भी ऊपर से ही जाएगा। फिर 15-20 मिनट, क्योंकि क्लास में ऐसे मैं रिवाइज करवाता हूँ कि मुझे लगता नहीं आपको घर पे जाके ज्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो जी अब आ जाते हैं 1/9/2023 से 31 मार्च 24 में अगर आपको आरएफए मिला है तो क्या होगा।
मैं जा रहा हूं नीचे 1/9/23 से 31 मार्च, इन केस ऑफ अकोमोडेशन ओन बाय द एम्प्लॉयर एंड गिवन टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ रेंट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट विल बी, अगर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया 15 लाख है तो 5% ऑफ द सैलरी, हाँ वही टैक्सेबल 15 से ज्यादा बट अप टू, अच्छा वो जो पिछला वाला था ना वो 2001 का सेंसस अपडेट नहीं करा था बहुत टाइम से, अब कर दिया अपडेट। फिर 7.5% ऑफ सैलरी 15 से 40, और मोर देन 40 है तो ठीक है, डन डन है। 5, 7.5 एंड 10, 15 लाख, 15 से 40, 40 से अब। लेकिन तारीख इनकी याद रखना कब है, 1/9/23 से 31 मार्च 24 तक, ठीक है। एक दो बातें अब सैलरी के लिए जरा वो सुन लो, सैलरी का मतलब मेरे को समझ में आ गया सर, सैलरी मतलब B+C+D+M+T, सर बी फॉर बेसिक सैलरी कमीशन एनी टाइम, डी फॉर डीएनएस अलावेंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, एम फॉर मॉनेटरी बेनिफिट लाइक बोनस फीस लीव इनकैशमेंट एक्सेट्रा, टी फॉर टैक्सेबल पार्ट ऑफ ऑल अलावेंसेस, इन सबको आपने ऐड करना है मल्टीप्लाई जो भी वो रेट है, फॉर एग्जांपल 15% आपका टैक्सेबल परक्विजिट आ जाएगा, क्वेश्चन के अंदर डाल दो, ग्रॉस सैलरी बोलेगा डाल दो। देन नेवर इंक्लूड, नोट है, परक्विजिट की सैलरी कैलकुलेट करते वक्त नेवर इंक्लूड एनी एडवांस और एरियर ऑफ सैलरी, पक्का क्वेश्चन में अगर मजेदार क्वेश्चन दिया तुम्हें तो पक्का क्वेश्चन में ये होगा कि एम्प्लॉय ने एरियर या एडवांस लिया हुआ है, कभी इंक्लूड मत करना, ये याद रखना तुम लोग। जैसे किसी प्रश्न में बेसिक भी है, कमीशन भी है, डीए भी है, एक आधा मॉनेटरी भी है, एक आधा टैक्सेबल भी है, सबको जोड़ लिया, क्वेश्चन को आगे पढ़ा तो आपने देखा एम्प्लॉय ने एडवांस ले रखा है, आपने जोश में देखा ऐड कर दिया, नहीं करना जी कभी भी मत करना। डन, अब एक काम करते हैं इस सैलरी को डिटेल में पढ़ते हैं, ये तो मैंने अपना वाला बता दिया और 99% क्वेश्चन में यही वाला लगेगा, अब डिटेल में देखते हैं जी। मीनिंग ऑफ आरएफए की सैलरी, बेसिक कर दिया, कमीशन कर दिया, कमीशन एनी टाइम है, डीएनएस अलावेंस तो बीसीडी तक ओके, मॉनेटरी बेनिफिट्स ये सारे, लीव सैलरी बोनस फीस ये सब क्या होते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट एंड टैक्सेबल पोर्शन ऑफ, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको तुम्हें समझाने के लिए, असल में ये सैलरी को उन्होंने एक्ट में ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको ये याद नहीं करना, ये नहीं पूछेगा कभी जीवन में डिफाइंड सैलरी, ठीक है, ये आपको बस याद करने के नए नए पैंतरे होते हैं, मैंने कुछ पैंतरे डाले हुए हैं तो वो याद कर लो। बट एक्सक्लूड समथिंग समथिंग एडवांस और हाँ एक और, मैंने आपको कितने परक्विजिट बताए सर, गिनती नहीं पता लेकिन बहुत सारे थे। आरएफए की सैलरी निकालते वक्त, आरएफए का परक्विजिट निकालते वक्त किसी और परक्विजिट की वैल्यू को सैलरी में ले मत लेना, मैंने इसी वजह से आपको सारे परक्विजिट के नाम बताए, ताकि कोई परक्विजिट, जैसे आपको दिखा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट में भेजा, परक्विजिट है कभी मत लेना सैलरी कैलकुलेट करते वक्त, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दी कभी मत लेना, सिर्फ आरएफए निकालने के लिए बोल रहा हूं, वैसे तो उनको लेना है जब ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, आरएफए निकालते वक्त मत लेना। डन है, ऑल वेल है सबको, तो देखो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल परक्विजिट वेदर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मत लेना, रिटायरमेंट बेनिफिट मत लेना, एरियर और एडवांस मत लेना, आपसे अच्छा आरएफए कोई सॉल्व नहीं कर सकता, अगर इतना पढ़ लिया। डन है, खत्म अभी नहीं हुआ है।
रिवीजन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं पहले रिवीजन करा देता हूँ ताकि दिमाग में फिट हो जाए। चलो, क्लास कितने बजे से हो रही है? नहीं नहीं सर से सर बस 4 ही 2 घंटे हुए तुम्हारे क्लासेस बेटे। क्यों नहीं सोया पहले ही बता। ठीक है, तो मैंने परक्यूजिट स्टार्ट किया। परक्यूजिट में मैंने पहला परक्यूजिट बताया आरएफए। आरएफए जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अमेंडमेंट आई हुई है, थोड़े टाइम तक चलेगी ये वाली, फिर नए वाले से ही क्वेश्चन करेंगे, पुराने वाले को माफ कर देंगे। लेकिन क्योंकि तुम्हारे ही प्रीवियस ईयर में ये महीने अटक गए, तो तुम्हें दोनों करने। तो एक काम करो, 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक आरएफए पहले वाले प्रोविजन से निकलेगा, और 1 सितंबर से 31 मार्च दूसरे, पहले पहले वाले का बता रहा हूं। पहले देख लो घर इम्प्लॉयर के खुद का है या रेंटेड है। अगर खुद का है तो देखो पॉपुलेशन क्या है एरिया की, क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो ऐसा होगा मुंबई में, मुंबई की जनसंख्या क्या है, मतलब 25 लाख से ज्यादा ही होगा मुंबई की। तुम लोकल में चले जाओ, तुम स्टेशन पे खड़े रहो, तुम्हें बॉक्स में भेज देंगे बिना चले। तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े रहो, लोकल आएगी, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा तुम बॉक्स में चले भी गए और उस पार पटरी से उतर भी गए और मर भी गए, क्योंकि वहां से दूसरी लोकल आई है। ये सीन होता है बहुत खतरनाक। मुंबई की लोकल में वही बैठ सकता है जो बहुत एक्सपीरियंस बंदा हो। तो वहां तो लोकलों में लाखों बंदे होते हैं, बाकी तो मुंबई दे रखा हो समझ जाना। अब 25 लाख है ना, क्या लोकल में? हाँ लोकल में ही 25 लाख हो गए। अब लोकल में बैठ के यार भी निकालूंगा सर, प्लेटफॉर्म पे उतरूंगा भी नहीं। अगली बात, अब देखना है अप टू 10% सॉरी पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख 1 से 25 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी, 25 लाख अबव है तो 15% ऑफ सैलरी। सर इन सब में सैलरी क्या होती है? तो बस कंडक्टर, ड्राइवर, मालिक, ट्रैफिक वाला, बेसिक कमीशन, डीए, डीए फॉर्मिंग पार्ट, मॉनेटरी बेनिफिट लाइक बोनस कमीशन, बोनस फीस और लीव इनकैशमेंट और टैक्सेबल पार्ट ऑफ ऑल अलाउंस, सही है। और अगर रेंटेड बाय एम्प्लॉयर है तो डायरेक्ट ले लेना 15% ऑफ सैलरी और जितना रेंट पे किया, विच एवर इज लोअर। अब बात करेंगे हम जब 1 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक दिया है, अगर एम्प्लॉयर ने घर को किराए पे लेकर आपको दिया है तो सीधा 15% ऑफ सैलरी करो, सैलरी निकालनी आ गई है, और जो एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया है अमाउंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, आगे बढ़ो जी। आगे क्या है? नहीं आगे छुट्टी नहीं है, अगला सुन लो बस थोड़ा सा। 1/9/2023 से 31 मार्च 2024 तक आपकी पॉपुलेशन 15 लाख है तो 5% ऑफ सैलरी, 15 लाख 1 से 40 लाख है तो 7.5 एंड आफ्टरवर्ड्स 10% ऑफ सैलरी। एक क्वेश्चन करवाए बिना नहीं जाने दूंगा। नहीं कभी। अरे बेटे अभी हमारे पास टाइम है, 5 मिनट है। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन कर लो, एक कर लो भाई, नहीं कर लो हो गए 5 मिनट ले। ना ऐसा कुछ नहीं इसके। ठीक है चलो जाओ, क्वेश्चन इतना हवाई जहाज होगा तुम लोग पागल हो जाओगे। ठीक है डन, मिलते हैं अगली क्लास में।